A student of class 4, today I come with lecture 5 of chapter 1, and you will see the experiment third. You will see the experiment third. So, आज हम लोग तीसरा प्रयोग के बारे में जानेंगे. इसमें है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट. इसमें हम देखेंगे कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. इस एक्सपेरिमेंट में आज हम देखेंगे कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है. उसके लिए ये पॉइंट दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है. तो फर्स्ट पॉइंट है, चूज ए ग्रीन लीफ फ्रॉम ए हेल्दी प्लांट. हेल्दी प्लांट, स्वस्थ पौधे से हम एक पत्ती चुनेंगे, ठीक है. उसके बाद अप्लाई वेसलिन टू ब्लॉक स्टोमाटा ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ. पत्ती का के दोनों साइड जो स्टोमाटा होता है उस पे हम लोग वेसलिन का अप्लाई करके उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट, कीप द प्लांट फॉर 2-3 डेज. अब उस पौधे को हम 2 या 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए रख देंगे. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ प्लक द लीफ. अब हम पत्ती को तोड़ेंगे एंड टेस्ट और जांच करेंगे इट फॉर स्टार्च. उसमें स्टार्च के लिए पत्ती को तोड़ के और उसमें हम स्टार्च का जांच करेंगे. वी विल फाइंड, हम लोग पाएंगे दैट की देयर इज नो स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ. तब हम लोग पाएंगे कि पत्ती में स्टार्च जो है वो उपस्थित नहीं है. क्यों? दिस इज बिकॉज वेसलिन ब्लॉक द स्टोमाटा. यह क्यों हुआ? क्योंकि जो वेसलिन हमने प्रयोग किया था वो स्टोमाटा को ब्लॉक कर दिया है. सो द लीफ कैन नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. इसलिए जो पत्ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए, ठीक है बच्चों. तो ये तरीका है जो बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है पौधों में. जो क्लियर हो गया कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है. नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आज पढ़ेंगे हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट. नॉन ग्रीन प्लांट जो पौधे हरे भरे नहीं होते हैं उसके बारे में. हम लोग जानते हैं कि पत्तियों, पौधे की हरी पत्तियां जो है वो भोजन तैयार करती है और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है. बट कैक्टस, मशरूम, मोल्ड एंड क्रोटोन डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स. इन सब में जो है ये ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां नहीं पाई जाती है. इन कैक्टस लीव्स आर मोडिफाई इन टू थॉर्न्स. जो कैक्टस की पत्तियां होती है वो थोर्न में, कांटे में मोडिफाई होती है. यानी कि कैक्टस में कांटा होता है, उसकी पत्तियां जो है वो थोर्न में, कांटे में मोडिफाई हो जाती है. द फूड इज प्रिपेयर इन इट्स थिक ग्रीन स्टेम्स. भोजन तैयार किया जाता है इन इट्स थिक ग्रीन स्टेप. उनके जो है मोटे हरे तने में भोजन तैयार किया जाता है, ठीक है बच्चों. हैव यू सीन मशरूम ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट वुड. क्या तुमने देखा है मॉइस्ट, नमी वाले लकड़ियों पे मशरूम को उगते हुए. दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स. दे एब्जॉर्ब, वे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व फ्रॉम द डेड, मरे हुए एंड डिकेइंग, सड़े हुए पौधों और जानवरों से. कहने का मतलब है जो मशरूम जो है वो मॉइस्ट नमी वाले लकड़ियों पे होते हैं, वो अपना पोषक जो है वो मरे और सड़े गले पौधे और जानवरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों. तो आज हमने उन्हें जाना नॉन ग्रीन प्लांट के बारे में और एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है.
इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी आगे क्लास में। थैंक्स।